नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति और विकास कार्यों जुआ सट्टा शराब के गोरख धंधे को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से मिलने पहुंचे। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड में धूल नजर आते हैं। जुआ सट्टा अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है, पंचायतों में भ्रष्टाचार का आलम छाया हुआ है। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता आज रायपुर के राजीव भवन पहुंचे हैं विधायक के खिलाफ शिकायत करने। लगातार ये भी मांग किया जा रहा है कि वहां जुआ सट्टा भी खिलाया जा रहा है और कई ऐसे जो भ्रष्ट सरपंच है उसे कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उस सरपंच पर पहले भी आरोप लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि इन सभी को अंकुश लगाने के लिए आज 150 किलोमीटर दूर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी के राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलने पहुंचे थे और सभी कार्यकर्ता बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव राय से नाराज नजर आ रहे हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा में हम ही लोग मांग करने आए थे उस क्षेत्र से नेतृत्व के लिए शिक्षा कर्मी के टिकट के लिए, और हाईकमान ने हमारी सुनी और उस क्षेत्र के उनको टिकट दिया। लेकिन गर्भ में क्या छिपा है किसी को मालूम नहीं रहता। आज उस क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने उस फैसले के लिए जो उनके लिए आए थे उनसे क्षुब्ध होकर आज हमारे क्षेत्र में जो 20-25 साल से जो कांग्रेस की पार्टी में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उसी से क्षुब्ध होकर आज आक्रोश में है सब, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं को वहाँ तहरूज दी जाती है, भ्रष्टाचार सरपंचों को प्रोटेक्शन दी जाती है। उस क्षेत्र में आज की स्थिति में पहले से बिगड़ा माहौल नजर आता है, सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, इस पे अंकुश नहीं है। तो किसका संरक्षण है, किसी का? किसी न किसी का संरक्षण है तभी चल रहा है। अभी क्या आश्वासन क्या मिला आपको? होगा निश्चित रूप से, घर की लड़ाई है, आपसी हम लोग बात करके आपके सामंजस्य स्थापित करेंगे। बात हुई अध्यक्ष महोदय, हम लोग बिलाईगढ़ विधानसभा से आए हुए हैं और आज हम सारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मोहन मरकाम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अवगत कराया है उनसे और उचित कार्रवाई की मांग की हम लोगों ने। हमारे कार्यकर्ता जो क्षेत्र में हैं जिन्होंने काम किया था सब भयभीत हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, तो उनके निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मांग की है। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव राय हैं, आज उनसे निराश कार्यकर्ता 14 बिंदुओं में मोहन मरकाम से शिकायत की है कि कार्यकर्ताओं को किसी भी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में अपमानित किया जाता है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में अन्य पार्टी के ठेकेदार द्वारा मिली भगत से 50 लाख रुपए की कार्रवाई करने के बजाय जांच रुकवा कर संरक्षण दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि बिलाईगढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष है, जिनकी PIC कैबिनेट में भाजपा जिला मंडल ब्लॉक मंडल के पदाधिकारी निर्वाचित पार्षद शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 8 सदस्य बहुमत के साथ है। देखिए, परिवार की बात है, बिलाईगढ़ विधानसभा से हमारे सरपंच बाकी हमारे कार्यकर्ता आए थे, अपनी बात कहे हैं और उस बातों को हम बैठ के हम परिवार की बात है परिवार में निपटा है। किस विषय को लेकर? देखिए, सरकार बनने के बाद बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती है कि मैं भी विधायक हूँ, मैं भी क्षेत्र में समय दे नहीं पाता, तो बातें होती है, परिवार की बातें होती है, परिवार की बातें हमसे शेयर किए और उन बातों को हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम संगठन के माध्यम से सभी को हमने निर्देशित किया है, संगठन में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहां भी इस टाइप की बातें आती है तो हम खुद बैठ के उनको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत पौनी के सरपंच ऊपर प्रवासी मजदूरों पर खाना खिलाने के नाम पर पौनी के उप सरपंच चंद्रपाल यादव द्वारा शिकायत किया गया था, जो जांच में 5,91,000 से अधिक राशि का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है और उस सरपंच को विधायक की उपस्थिति में कांग्रेस में प्रवेश करा लिया गया है। ग्रामीण और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आ रहे हैं। पौनी पंचायत के दोषी सरपंच है, 40 धारा के अंतर्गत उनको हटाने की कार्रवाई जांच में 6 लाख के आसपास उस पर फर्जी पाया गया है,
दोषी पाया गया उनको तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसे सरपंचों का प्रोटेक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं होती आगे और क्या उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम बताइए। जिस तरीके से उस क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा विधायक के द्वारा की जा रही है और उस क्षेत्र में अपने ही समर्थित सरपंचों कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक भय का माहौल बना हुआ है, उस क्षेत्र में कांग्रेस संगठन की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हुई है और कार्यकर्ता उनके क्रियाकलाप से पूरी तरीके से आहत हुए हैं। खासकर संसदीय सचिव बनने के पश्चात जिस तरीके से सारे क्षेत्र में उन्होंने, चाहे वो अवैध उत्खनन हो, रेत उत्खनन हो, सारे अवैध कार्य आज उस क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जहाँ तक के हमारी संभावनाएँ हैं कि उनमें उनका संरक्षण सभी को प्राप्त है। मैं एक ही मांग, ये स्पष्ट है कि अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत पौनी में 13 लाख रुपए कोरोना महामारी के राशन घोटाला हुआ था, जो भाजपा समर्थित सरपंच के द्वारा किया गया था, जिसके धारा 40 के अंतर्गत आवेदन भी लगा था और उसमें 6 लाख के लगभग गबन की पुष्टि की गई है जांच पे। उसके बावजूद भी उक्त विधायक के द्वारा लेन देन करके उसको कांग्रेस प्रवेश दिलाकर उसको संरक्षण दिलाया गया। इसी तरीके से नगर पंचायत बिलाईगढ़ में भी 50 लाख के गबन बगैर कार्य कराए किया गया है, उसकी भी जांच अभी तक के माने किसी प्रकार से नहीं हुई है। और अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें कार्यकर्ताओं की राय कहीं भी नहीं ली जा रही, जैसे कि अभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है, ये व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यक्तियों का नाम माने इनके द्वारा दिया गया है जो कि पार्टी के नए नवेले सदस्य हैं। न तो पार्टी के किसी सदस्य की राय सुमारी ली गई है और न ही कहीं बैठक किया गया है, केवल व्यक्तिगत अनुशंसा करके माने पार्टी हाईकमान को दिया गया है। मैं एक ही मांग माननी हाईकमान से किया हूँ कि ये संसदीय सचिव पद के लायक नहीं है, इनको तत्काल माने संसदीय सचिव के पद से हटाया जाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो दुर्गति हो रही है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, उनकी सुध ली जाए। अब देखना यह होगा कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 14 बिंदुओं की मांग को मोहन मरकाम कब तक पूरा कर पाती है, क्योंकि मांग पूरा नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन करने की भी चेतावनी दे दी गई है। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ सोनू साहू, RJ News, रायपुर, छत्तीसगढ़।